ये साइकिल मैगजीन में छपी एक कहानी है जिसका नाम है डकैत तो नहीं वैसे असलियत में तो ये कहानी बांग्ला में लिखी है सुकुमार रॉय ने डात ना की लेकिन इसका अनुवाद ट्रांसलेशन यायावर ने किया है तो खैर हारू बाबू शाम को घर लौट रहे हैं स्टेशन से उनका घर आधा मील है दिन ढलने को है हारू बाबू तेज चल रहे हैं हाथ में बैग है और एक छाता है चलते चलते उन्हें लगा कि उनका पीछा कर रहा है कोई उन्होंने तिरछी नज़र से देखा सचमुच कोई उनकी ही तरह तेज चाल से उनका पीछा कर रहा था हारू बाबू मन ही मन डर गए कहीं डकैत तो नहीं अरे बाबा सामने का मैदान पार करते समय अकेला पाकर दो चार लाठी जमा दे तो हारू बाबू डर से कांप रहे थे अब वो दौड़ने लगे वो आदमी भी दौड़ने लगा तब हारू बाबू ने सोचा सीधे मैदान से होकर जाना ठीक नहीं बड़े रास्ते से वैद्य पाड़े होकर जाना चाहिए भले ही थोड़ा ज्यादा चलना पड़े वो एक गली के भीतर जाते ही बख्शी के बाड़े को पार कर एक ही दौड़ में चौड़े रास्ते पर आ पहुँचे थे ओ माँ वो आदमी भी क्या दुष्ट है वो भी उसी तरह गली से होकर बड़े रास्ते पर आ पहुँचा हारू बाबू ने छाते को मजबूती से पकड़ लिया सोचा भाग्य में जो बदा है हो कर रहेगा पास आएगा तो दो चार मैं भी कसकर लगा दूंगा हरू बाबू को बचपन याद आ गया तब वो जिमनास्टिक करते थे उन्होंने दो तीन बार अपनी बाहों की मांसपेशियां फुला कर देखीं मतलब ऐसे डोले देखे कि अभी भी वो सख्त हैं कि नहीं थोड़ा आगे ही तो काली मंदिर है उन्होंने मंदिर के पास वाला मुख्य रास्ता छोड़ दिया और जंगलों में झुरमटों वाला रास्ता पकड़कर दौड़ने लगे पीछे पीछे पाँव की आवाज़ से वो समझ गए कि वो आदमी भी उनके पीछे दौड़ रहा है उन्हें यकीन हो गया था कि जो आदमी उनका पीछा कर रहा है वो डकैती है हारू बाबू के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे माथे पर पसीने की बूंदें छल रही थी सामने घाट पर बैठे कुछ लोग गपशप कर रहे थे उन्हें वहां पाकर हारू बाबू की हिम्मत बढ़ी वो पलट कर छाता उठाकर बोले <coughs> क्यों रे? मुझे पता नहीं भला चाहते हो तो किंतु उस आदमी का चेहरा देखकर उनके तेवर थोड़ा नरम पड़ गया अत्यंत निरीह दुबला पतला भला सा आदमी सामने खड़ा था डकैत तो नहीं ही हो सकता तब हारू बाबू थोड़ा नरमी से धमकाते हुए बोले खामा खाम मेरा पीछे क्यों आ रहे हो रे? वो आदमी बहुत डर कर उपकाते हुए बोला स्टेशन के बाबू ने कहा है कि आप बलराम बाबू के घर के पास रहते हैं आपके साथ जाने से मैं ठीक जगह पहुँच जाऊँगा आपके हमेशा इसी तरह टेढ़े मेढ़े चलते हैं आरू बाबू कुछ देर उसे तकते रहे क्या जवाब देते फिर थोड़ा झटक कर सीधे रास्ते पर घर की तरफ चल पड़े